औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर जी मैं आज आपको हलवा बनाना सिखाने जा रही हूँ, और ये मैंने ली है 2 कप सूजी। मुखड्डी हलवा है, इसके लिए आपको सूजी भिगोनी पड़ेगी। तो यह है 2 कप सूजी, यह है ऑयल तकरीबन 1 कप। इसको हमने इस तरह से गर्म कर लेना है, और इसमें डाली है मैंने चीनी, ये भी है 1.5 कप के तकरीबन 1.5 कप। अब वो आप अपने मिठास के हिसाब से ही डालेंगे। इसको आपने अच्छे से कर लेना है फ्राई, और इस तरह की इसकी चाट बना लेनी है। इसको ब्राउन कर लेना है, अच्छे से इसको ब्राउन करना है, खूबसूरत कलर भी आता है और टेस्ट भी। यहाँ पर जी ये सूजी मैंने डाल दी है इसमें चाट में और ऑयल में, सॉरी घी में। इसको हमने अब अच्छे से करना है मिक्स। ये देखिए जी, इसको ज़रा मेहनत तलब हलवा ये बड़ा, लेकिन होता बहुत ही लजीज है, बनता बहुत मज़े का ये। इसको हमने अच्छे से इसमें इसको मिक्स कर लेना है, इस चाट को। ये ज़रा सख्त हो जाता है, इस ज़ाहिर ये ठंडा होता है और चाशनी गर्म होती है, तो वो ये देखिए। अब यहाँ पर जी ये मैंने मेवा है, इसको हमने पहले से साफ़ करके पानी से धो लेना है अच्छे से। और इसकी ये देखिए भुनाई के दौरान इसकी शक्ल इस तरह से हो चुकी है। इसको बहुत भूनना पड़ता है, तभी इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है और इसका टेस्ट भी। अच्छे से इसकी मैं बुनाई मैंने कर ली है, ये देखिए, इतना कि ये घी छोड़ दे। इस तरीके से आप इसको भूनेंगे ताकि ये घी छोड़ दे साइड्स पे। जब इसकी घी आ जाए तो बस समझ जाएं कि ये भुन चुका है और खाने के लिए रेडी है बिल्कुल। ये देखिए कितना खूबसूरत है इसका कलर, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर और जो भी मेवाजात आपके पास हैं घर पे वो आप इसमें डाल दें। ये देखिए ये मैंने सब इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।